भारत अपने कोरोना वैक्सीन के लिए है पूरी तरह तैयार। ऐसी रहेगी भारत की वैक्सीन यात्रा। वैक्सीन फैक्ट्रीज से एयरपोर्ट्स आएंगी, वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया बनाया जाएगा, वहाँ से सीधे 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर जाएंगी। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का इस्तेमाल होगा। कोल्ड चेन पॉइंट से ही सीधे वैक्सीनेशन बूथ पर पहुँचेंगी, 100 लोगों को लगाई जाएंगी। कहाँ होगा वैक्सीन का स्टोरेज? 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 240 वॉक इन कूलर्स, 70 वॉक इन फ्रीजर्स, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर। किसे लगेगी सबसे पहले वैक्सीन? 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, स्वास्थ्य से जुड़े काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, केंद्र और राज्यों की पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स और म्यूनिसिपल वर्कर्स, 27 करोड़ हाई रिस्क ग्रुप, ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है, साथ ही 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य बीमारियां हैं, उन्हें भी पहले वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन बूथ पर क्या होगा? कोविन पर रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा, इस पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी संभव है। हर सेशन में वैक्सीनेशन साइट पर जगह की उपलब्धता के आधार पर 100 से 200 लोग वैक्सीनेट किए जाएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट मॉनिटरिंग होगी, एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति बूथ पर मौजूद रह सकेगा। ये देखा जाएगा कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक रहा तो वो व्यक्ति साइट पे जा सकेगा। अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो ट्रेंड स्टाफ उसका ट्रीटमेंट करेगा, साथ ही संबंधित सिस्टम को सूचित करेगा। वैक्सीनेशन की टीम में कौन होगा? वैक्सीनेशन की टीम में 5 सदस्य होंगे, इनमें एक मेन ऑफिसर होगा जबकि 4 अन्य हेल्पर्स होंगे। वैक्सीनेशन का मेन ऑफिसर डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट में से कोई एक हो सकता है। दूसरा सदस्य रजिस्ट्रेशन और एंट्री पॉइंट चेक करेगा, तीसरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, चौथा और पांचवा सदस्य क्राउड मैनेजमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय से कम्युनिकेट करेगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।